उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे कैसे आज आप प्रसंग सुनेंगे कि दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बनवाते हैं, लेकिन दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई कि दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई क्यों कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई उसका ये नहीं करते जिसमें हम कौन है कोई बहुत राजा महाराजा के खानदान के बच्चे हैं और वो कौन है परम पिता परमेश्वर झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए कि ये रूप उन पर शोभा देता भी है कि नहीं क्योंकि आज एक पदवी पे बैठ जाए तो हर चीज शोभा नहीं देती और भगवान ने उसका कभी ध्यान नहीं दिया
कैसे नहीं दिया? प्रेम के वश निके सेवा की, प्रेम के वश निके सेवा की, रिश्तेदारों के जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि में जाते हैं, किसी के भी काम में जा रहे हैं, तो गेस्ट बनकर जाते हैं। कोई न्योता अगर निमंत्रण भेजता है और अगर गलती से भी उसने कोई ऐसा काम कर दिया, कहने को काम करने को कह दिया जो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। जिसमें इतनी बड़ी पदवी पे, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी पदवी पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी, और भगवान तो ठाकुर है, भगवान है, सबके पिता है, सबके मालिक है, लेकिन वो कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटे। जैसे प्रेम के वश पार रथ रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठाकुराई, प्रेम के वश पार रथ रथ हाक्यो, भूल गए ठाकुराई। ये सबसे को नाच कौन नचाता है? हाथ उठाना, बताइए। इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? कौन? जोर से कहिए। तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत है उनको नचा सके? नहीं है। ऐसी प्रीति बड़ी